सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम। आज एक बार फिर से हम जींद में हैं, जहां पे हमने पहले भी भाई साहब की, रणदीप मलिक भाई की, जो बहुत ही शानदार नस्ल की भैंसे रखते हैं, सेल परचेज का काम है, पहले भी मैंने आपको दिखाई थी और आपको वो वीडियो भी बहुत पसंद आई थी। और उन इनके भाई के जो पशु हैं वो भी काफ़ी अच्छे पशु सभी भाइयों ने अप्रिशिएट किया था, सभी भाइयों ने सराहना की थी उन पशुओं की। तो दोबारा से हम इनके फार्म पे आए हैं और काफ़ी अच्छी शानदार नस्ल की भैंसे आपको सामने वीडियो में दिखाई दे रही हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की भैंसे इनके पास एक बार दोबारा से इकट्ठी हुई हैं, क्योंकि सेल परचेज का काम है और अच्छे पशु रोज़ रोज़ तो मिलते नहीं हैं। तो आज दोबारा से आप सभी भाइयों को मैं दोबारा से नए जो पशु आए हैं भाई के पास वो दिखाऊंगा। इसमें कुछ पशु सेल होके बॉम्बे भी जा रहे हैं और काफ़ी बढ़िया रेट में बिके हैं, और बढ़िया रेट में तो जो पशु बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, शानदार क्वालिटी का है, वो बिकता ही है। जो अच्छी क्वालिटी है वो हमेशा ही अच्छे रेट में बिकती है। तो भाई से बात करेंगे डिटेल से, एक एक पशु के बारे में जानकारी लेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, जो भी भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं और हमारी ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि नई जो भी वीडियो लेके आए हम उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप हमारी ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो जो हमारा पेज है उसको ज़रूर लाइक कीजिए, ताकि यहाँ भी आपको फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी रणदीप भाई साहब से, जैसा कि पहले वाली वीडियो में मैंने भाई से पूछा था, और भाई ने जो बैंक मैनेजर की जॉब छोड़ के पशुपालन का काम स्टार्ट किया है, तो नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, अभी ये पशु आपके सारे सेल हो चुके हैं या कुछ हुए हैं? नहीं, इसमें से कुछ सेल हुए हैं। अच्छा, सेल के लिए अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, तो जो पशु सेल हुए हैं वो कहाँ? बॉम्बे जा रहे हैं। बॉम्बे, ठीक है। तो दो पशु जाएंगे बॉम्बे। हाँ जी। तो सबसे पहले तो मैं वही पशु देखना चाहूंगा जो दो बॉम्बे जाएंगे। इसमें ये जो पहले हमने जोटी दिखाई थी, जो शायद दो दांत है कटड़ी है। हाँ, दो दांत हो चुकी है एक महीने से। अच्छा अच्छा, तो ये भी ये बॉम्बे जा रही है। बॉम्बे जा रही है। तो कौन है वो भाई लेने वाले, क्या नाम है उनका? सलमान नाम है उनका। सलमान, ठीक है। तो क्या रेट में बेची है भाई साहब ये जोटी? 5 लाख रुपए की दी है। 5 लाख रुपए की। तो ये देखिए, जो मैं क्वालिटी की बात कर रहा था वो हमेशा ही पे करती है। लगभग 3 महीने बाकी है ना ब्याने के? 3 महीने बाकी है ब्याने के, और 5 लाख रुपए में इस जोटी को बेचा है। हाइट लेंथ मैं कहूँगा, जो बड़ी भैंसे आपको वीडियो में बहुत सारी भैंसे काफ़ी भारी भरकम दिखाई दे रही हैं, लेकिन दो दांत आज उनसे बड़ी है ये। तो आप सोचिए, जब ये पूरी मैच्योर होगी और फुल हाइट लेंथ, जब ये 6 दांत या 8 दांतों से मिलेगी, उस टाइम पूरी ग्रोथ पे आएगी, तो फिर जाके मैच्योर होगी और इसका शरीर उस टाइम इन भैंसों से 1.5 गुना बड़ा हो जाएगा, तो काफ़ी बढ़िया हाइट लेंथ की बनेगी। ऐसे पशु मैं तो कहता हूँ बेचने वाले नहीं होते, लेकिन कई बार ज़्यादा पैसे के चक्कर में हमारा जो फार्मर है वो इन पशुओं को बेच देता है, लेकिन ये चीज़ें पैसे में नहीं तोली जाएंगी, ये अनमोल पशु हैं। ले आओ भाई साहब इधर। 5 फुट 2 इंच भाई साहब बता रहे हैं हाइट, और कितना लगा? ये देखिए, बिल्कुल छोटे सिंह की बहुत ही लंबी गर्दन, और जो इसका नीचे का सिस्टम मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया था, तो ये देखिए चारों थन बिल्कुल अलग अलग और खुले खुले हैं, और इन फ्यूचर जो अडर बनेगा वो बहुत ही बढ़िया। और जो नसें हैं कटड़ी के शरीर के ऊपर, वो देखिए धूप में सारे शरीर पे नसें चमक रही हैं, तो ये जो दूध वाले गुण होते हैं पशु में वो दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी भैंस कौन सी जाएगी भाई साहब? एक ये जाएगी भाई साहब वहाँ बॉम्बे। बॉम्बे जाएगी। तो ये शायद वही जोटी है जो आप पटियाला में लेके गए थे, करनाल में फर्स्ट आई थी, वही है शायद। तो ये कितने रुपए की सेल की है भाई साहब? ये 3,60,000 रुपए की। 3,60,000 रुपए की। और शायद इसने घर पे अपने 27 किलो दूध दिया है। 27 किलो दूध दिया है। अभी ये 1.5 साल की हो गई है ब्याई, आज भी इसमें 8 या 9 लीटर दूध है। 1.5 साल की ब्याई में आज भी 8-9 लीटर दूध है। कौन से बुल से प्रेगनेंट करवा रखा है इसको? अर्जुन बुल से। अर्जुन कुंगड़ से, जो पवन भाई के पास है चैंपियन बुल, उससे प्रेगनेंट करवा रखा है। और पिछली वीडियो में थोड़े दिन पहले ही हमने वीडियो डाली थी, 27 किलो दूध इस भैंस ने घर पे रिकॉर्ड करवाया है, करनाल NDRI के में पहले नंबर पे रही, और पटियाला में मेरे ख्याल से 7 दिन की ब्याई थी, उस टाइम पे 19-20 किलो दूध दिया था।
20 लीटर दूध दिया था और 9वें पोजीशन पे थी, 9वें पोजीशन पे थी 20 किलो दूध, और लीटर का फर्क रह गया था, नहीं तो ये थर्ड पोजीशन पे होती है आधे पौने लीटर का। ठीक है ठीक है, तो ये देखिए ये भी काफी भारी झोटी है और शायद तीसरी बार भी आएगी, आगे आगे चौथी बार भी आएगी, चौथी बार भी आएगी। बिल्कुल बढ़िया हाइट लेंथ, बहुत ही बढ़िया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट लेंथ की है। और भी काफ़ी पशु हैं भाई के पास, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये 360,000 रुपये की सेल की है भाई ने। तो ये भाई साहब अब इधर से करते हैं शुरू। भाई साहब ये कौन सी बार की ब्याई हुई है? ये चार दांत है, फर्स्ट टाइमर है। चार दांत और पहली बार की ब्याई हुई, कितने दिन की ब्याई है? आज ही पांचवें दिन की ब्याई हो गई है। दूध कितना है जी इसमें? 13 लीटर दूध है। ठीक है, नीचे फीमेल काफ है, फीमेल काफ है साथ में इसके, बिल्कुल छोटे सिंह की ये भी, और पीठ पुट्ठा बहुत बढ़िया, हाइट लेंथ इसकी भी काफ़ी अच्छी है, और थन बिल्कुल बढ़िया, जो थनों का साइज है वो चारों थन अलग अलग और बढ़िया बनेगी। अभी एक महीना लेता है जो भी पहली बार का ब्याह हुआ पशु होता है, एक महीने तक तैयार होएगी। तो ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छी जोटी है, ले आओ भाई। 5 फुट 2 इंच हाइट है इसकी भी, इसकी भी 5 फुट 2 इंच, बढ़िया है जी। तो चार दांत जोटी 5 फुट 2 इंच की हाइट और बहुत ही अच्छी, साथ में जो है इसके फीमेल काफ है, कटड़ी है, बहुत ही बढ़िया। तो ये जो 3 नंबर पे थी भाई साहब, ये कितने दिन की ब्याई होगी? आज ये 10 दिन की ब्याई होगी है। इसमें दूध कितना है? अभी 17 लीटर दूध है। 17 लीटर दूध है, 10 दिन की ब्याई है। बस कटड़ा है के कटड़ी साथ में? तो धारण वास वाला जो झोटा है अपना, हाँ हाँ, जज्जर के पास उस फूल से ये प्रेग्नेंट कटी है, धारवण वास वाले की कटड़ी है। तो उसी गांव से लिया आपने? नहीं, ये मैंने लिया मुजादपुर से, के पास मुजादपुर, ठीक है ठीक है, वहां से लिया। तो ये कौन से ब्यांत में बताई? अब ये तीसरी बार ब्याई हुई है, सेकंड टाइमर ने, इसने 24 लीटर दूध दिया। अच्छा, दूसरे ब्यांत में 24 किलो दूध दिया है, 10 दिन की ब्याई है अभी। ये भी काफी बढ़िया मैं जोटी कहूंगा, हाइट लेंथ बहुत ही अच्छी, और थोड़ा सा जो भी पशु हैं, जो इनके काफ हैं, जो बच्चे हैं, उनके चक्कर में अंदर भागने की कोशिश कर रहे हैं और बिना काफ के बाहर बांध रखे हैं पशु, ये भी आप ध्यान करें देखने वाले भाई। और काफ़ी अच्छी भैंस, बहुत ही बढ़िया तीसरे लैक्टेशन में, और इस बार भी उम्मीद करेंगे 24-25 किलो दूध देना चाहिए। और ये भाई साहब आगे वाली ब्याने वाली है ये, तो 15 दिन। अच्छा, 15 दिन में ब्याएगी। हाँ, तो इसने कितना दूध दिया है? इसने सेकंड टाइम बंदे 16 लीटर दूध दिया है। अच्छा, दूसरे ब्यांत में 16 लीटर दूध दिया है, तो ठीक है, 15 दिन ब्याने के हैं, तीसरे ब्यांत में है, तीसरी बार ब्याएगी ये 15 दिन के अंदर। और ये वही भैंस जो बॉम्बे जाएगी। अब एक ये बहुत ही अच्छी जोटी दिखाई दे रही है, पीठ पुट्ठा बहुत शानदार है जोटी का। ये कौन से ब्यांत में है भाई साहब? ये सेकंड टाइमर है। अच्छा, दूसरे ब्यांत में। कितने दिन की ब्याई होगी? ये ब्याई होगी आज 12-13 दिन की। 12-13 दिन की। दूध कितना दे रही है अभी? दूध इसमें 20 लीटर, 20 किलो दूध अभी तैयार है। हाँ। इसके साथ में कटड़ा है के कटड़ी? इसके साथ में कटड़ा है रुस्तम गतोली का। रुस्तम गतोली का, बहुत अच्छा कटड़ा है। अच्छा अच्छा, इसको दिखाना भाई खोल के। तो ये भी काफी अच्छी जोटी दिखाई दे रही है, पीठ पुट्ठा बहुत शानदार, और जो कलर है वो बिल्कुल जेड ब्लैक है। और अभी इसने छटाव नहीं किया, छटाव करने के बाद उम्मीद है 2 लीटर दूध और बढ़ने की। अच्छा अच्छा, तो ये भी काफ़ी अच्छी जोटी, बिल्कुल छोटे, बिल्कुल छोटे सिंह की, बस ज़्यादा दूर ना ले जाओ, बिल्कुल छोटे सिंह की लंबाई ऊंचाई बहुत ही अच्छी, और जो अड्र की क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया, और जो नशे हैं अड्र के ऊपर, जो मिल्क वैन है वो काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रही है। जो मैं बता रहा था कि जो नशे हैं अड्र के ऊपर वो काफ़ी हैं, ये देखिए आप, और जो मिल्क वैन है वो भी काफ़ी मोटी है, जो दूध के करेक्टर्स हैं भैंस में पूरे के पूरे हैं। तो बांध दो भाई साहब, ये भी बहुत अच्छी जोटी, जो भी पशु हम दिखा रहे हैं वो सारे एक से बढ़कर एक हैं, और काफ़ी अच्छे पशु, इतने अच्छे पशु एक जगह मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन भाई काफ़ी मेहनत करके शायद दिन रात घूम फिर के इतने अच्छे अच्छे पशु ले रहे हैं। तो ये भाई साहब आगे वाली कौन से ब्यांत की है? ये थर्ड टाइमर है। अच्छा, दूध कितना दे रही है अभी? 21 लीटर दूध है इसमें। अच्छा अच्छा, कितने दिन की ब्याई होगी? ब्याई हो गई है ये लगभग 13-14 दिन की। 13-14 दिन की ब्याई, 21 किलो दूध, और तीसरे ब्यांत में। इसको ले आओ भाई खोल के, ये भी काफ़ी अच्छी, और बिल्कुल छोटे सिंह की, और जो अड्र की क्वालिटी है जितनी भी वैसे आज आपने देखी होगी उनमें सबसे बेहतरीन,
मक्खन बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल मुट्ठी के साइज का, जो सिले अर्डर की, बहुत ही बढ़िया। ले चल ले चल। तो ये देखिए, जैसा कि मैं बता रहा था, ऑर्डर काफ़ी अच्छा, बहुत ही बढ़िया। सारे पशु जो भाई के पास हैं वो बहुत अच्छे हैं। आपका मैं कमेंट्स में भी इंतज़ार करूंगा कि आपको कौन सी भैंस अच्छी लगी सबसे। तो ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छी है। ये कौन से ब्यांत में है भाई साहब? ये तीसरे ब्यांत में है, थर्ड टाइम। अच्छा, दूध कितना दे रही है अभी? अभी ये एक हफ्ते की ब्याई हो चुकी है और इसमें 18 लीटर दूध है अभी। 7 दिन की ब्याई में 18 किलो दूध है, ठीक है। इसके साथ में कटड़ा है कि कटड़ी? नहीं, मेल काफ है इसके साथ में। इसके साथ में मेल काफ है, पंचायती बुल का। और ये भी अच्छी है भैंस, पैरों के बीच बीच का अड्डर है। टाइमर ने इसने 20-25 किलो दूध दे रखा है। उम्मीद इस बार ये है कि 22-23 लीटर दूध देगी। अच्छा, इसकी भी उम्मीद 22-23 किलो दूध की है, अच्छी है। ये नहीं है कि ये बोलने का दूध नहीं है, कोई भी भाई आए, दो टाइम, तीन टाइम, चार टाइम, पांच टाइम की मिल्किंग करो, उसके बाद जो दूध बताया जाएगा उससे आधी किलो 500 मिले तो लो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपने पास रहने की, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, अलग से कोठी ले रखी है, उसमें उनको ठहराते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ भाई कहीं होटलों में भटकना पड़ेगा या कहीं और जाएंगे, गर्मी का माहौल है। आराम से इसी रूम से आराम से आगे रुको और भैंसों की मिल्किंग 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम करो, उसके बाद भी ना पसंद आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनसे मान सम्मान करके उनका जो भी रेलवे स्टेशन पे है या बस स्टैंड पे है उनको छोड़ा जाएगा। बिल्कुल, किसी चीज़ का कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि पैसे देने हैं और ये सारी मेरी हाईब्रिड की भैंसे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं लगते, हम भी फार्मर से लेके आते हैं। ये नहीं होता कि यहाँ भाई 15 लीटर वाली कितने की मिल रही है, 15 लीटर वाली भैंस तो होता है 90,000 की भी मिल रही हो, लेकिन 15 लीटर वाली भैंस 1.5-2 लाख की भी होती है। ये उसके फीचर्स और उसकी करेक्टर से डिपेंड करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई का जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है और रहने खाने पीने का अरेंजमेंट पूरा है। और ये एक जोटी और जो काफी अच्छी है, ये दूसरे ब्यांत में है भाई साहब? हाँ, ये दूसरे ब्यांत में और आज मॉर्निंग में ही इसकी डिलीवरी हुई है। अच्छा, आज सुबह ब्याई है। हाँ जी। तो ये कितना पहले ब्यांत में कितना दूध दे रखा है? पहले ब्यांत में मैं कोई इसकी मिल्किंग नहीं करके लेके आया, लेकिन जिस फार्मर से मैं लेके आया हूँ उसने 18-19 लीटर दूध इसका बताया था। अच्छा, तो अच्छा। जो इसकी थनों की मजबूती है, जो इसके करेक्टर्स है, जो हमने इसका खीस निकाल लिया, लगभग 8-9 किलो खीस निकाल लिया इसके और बच्चे को पिला दिया 2-2.5 किलो, उस हिसाब से लग रहा है कि हाँ भाई बढ़िया पावरफुल भैंस है, 20+ ही रहेगी। ठीक है ठीक है, खोल के दिखाना भाई इसको। तो दूसरे ब्यांत की जोटी, लगभग 10 किलो खीस इसका निकल चुका है और सुबह ब्याई है, आज सुबह ब्याई हुई है। और इसके साथ में कटड़ा के कटड़ी भाई साहब? नहीं, कटड़ा है जी, इसके साथ में इसके साथ में भी कटड़ा है। बहुत अच्छी जोटी, देखिए सींग बहुत ही अच्छा। और जो सबसे मेन चीज़ इस जोटी में मैं कहूँगा देखने वाली है, वो इसका जो अड्र है वो, और थनों का जो गैप है, पीछे वाले थनों का गैप इतना मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक पशु में, लेकिन इस जोटी के जो थनों का गैप है, आगे वालों का भी लगभग मैं कहूँगा 1 फीट से ऊपर का है, और जो पीछे वाले थन हैं उनका गैप भी लगभग 1 फीट का है। तो ये देखिए बहुत ही शानदार। तो शायद जो पीछे वाला एक थन में थोड़ा सा साइड मालूम हो रही है, लेकिन वो बाई वगैरह, एक तो ये बाव है, दूसरी बात बच्चा पैर से बांध रखा था, तो एक साइड में बच्चे ने दूध दिया हुआ है। मैं आपको इसकी वीडियो जो दूंगा प्रेग्नेंट की, उसमें आप देखना करिए, वीडियो में कहीं पे भी कोई वो नहीं है। तो जो इसकी वीडियो है वो वीडियो के जो बिल्कुल एंड में मैं आपको दिखाऊंगा, और आप देखना जो जोटी है बहुत ही अच्छी। जो ऑर्डर मैंने इसका, जैसा कि भाई ने बताया कि हमने वीडियो बनाने से पहले जो इसकी वीडियो देखी, मेरे को भी शक जो डाउट था वो मेरा भी क्लियर होगा जब वीडियो देखी मैंने, तो बहुत ही अच्छे अडर की जोटी है, बहुत बढ़िया। और अगर 19-20 किलो दूध इसने पहले ब्यांत में दिया है तो 23-24 किलो 25 किलो दूध तक इस ब्यांत में देना चाहिए। बंद हो भाई साहब, दांतों में कैसे है भाई? ये 6 दांत है। 6 दांत है, बिल्कुल जवान जोटी है। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लगभग 43 डिग्री टेम्परेचर है अभी। जब तक ये दूध पे आएगी उस टाइम तक तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। हाँ, इस टाइम पे हम एक देसी भाषा में कहते हैं कि हाँ भाई बड़े जोड़ रित जाते हैं इस टाइम पे। हाँ, वो भी सूख जाते हैं। हाँ, पशु पक्षियों को पीने के लिए पानी भी कम मिलता है। तो ये दूध कहाँ से देगी? ये सर्दी के मौसम में ब्याती तो होता है, मैं उम्मीद करता 24-25 लीटर दूध देती है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक ये लास्ट में जोटी बंदी हुई है, ये कौन से ब्यांत की है भाई? टाइमर है। ये भी दूसरे ब्यांत की है।
तो ये कितना दूध दे रही है? 15 किलो दूध इसमें। 15 किलो दूध इसका जो ऑर्डर है वो बता रहा है कि ज्यादा दूध दे रही हूँ मैं। नहीं फिलहाल कच्ची ब्याई है ना ये। अच्छा अच्छा, एक हफ्ते की ब्याई है। अच्छा अच्छा, तो इसके कितने दिन की ब्याई? एक हफ्ते की ब्याई है। ठीक है, इसके साथ में कटड़ा है कि कटड़ी? फीमेल काफ है इसके साथ। इसके साथ में फीमेल काफ, तो ये भी थोड़ा सा सींग, तो मैं कहूँगा जो हमारे देसी भाषा में कहते हैं कि देसी टाइप का है, शो क्वालिटी का सींग नहीं है, लेकिन जो अर्डर जो इसका है वो शो क्वालिटी का है। अर्डर बढ़िया है, थनों की क्वालिटी बहुत बढ़िया, जो सिले अर्डर की है बहुत ही बढ़िया। तो रणदीप भाई साहब ये बताइए कि पशुओं को फीड में क्या दे रहे हैं आप? फीड में बिनोले की खल, चने की चूरी, दलिया, छिलका, और जो हमारे घरेलू पशु है दो चार उनको मिनरल मिक्सचर। अच्छा, क्योंकि जो हर पशु होता है उसको तो नहीं दिया जाता, क्योंकि ये तो हमारे सेल परचेज के पशु रहते ज्यादा। और जो मिनरल मिक्सचर डालता है उसका फायदा, कोई आदमी ये सोचे कि हाँ भाई दो दिन में या चार दिन में पाँच दिन में लगेगा, नहीं लगेगा, उसका मिनिमम दो या तीन महीने बाद ही उसका मतलब बेनिफिट होना स्टार्ट होता है। रेगुलर देंगे तभी उसका रिजल्ट आएगा। कोई एक दिन में घी खाने से कोई पहलवान नहीं बनता, इसलिए हम हमारे सेल परचेज के पशु रहते हैं वो दो दिन खिला के दो दिन आ गए तो वो एक वेस्टेज है। रेगुलर चाहिए, रेगुलर डाइट में चाहिए, और मिनरल मिक्सचर बहुत बढ़िया चाहिए। गेहूं का दलिया दे रहे हैं कि बाजरे का? गेहूं का, साथ में अगर जो है वो ऐड हो जाए ना गर्मी आज की डेट में। हाँ बहुत बढ़िया रहेगा वो। हाँ अभी यूज नहीं की है। तो ये पशु जो बॉम्बे जाने हैं ये कब जाएंगे? ये कल लोड हो गया। अच्छा कल लोड हो जाएंगी। तो बाकी जो और पशु हमने दिखाए हैं आज, ये सेल हो चुके हैं कि ये अपने नहीं, नहीं ये अभी कोई दो दिन चार दिन हुए इनको आए हुए, अभी लोग कुछ कटाई में भी लगे हुए हैं। बहुत मेहनत से बहुत मुश्किल से पशु मिलते हैं ऐसे, क्योंकि हमारा हाइब्रिड का काम है तो एक जैसा लेवल रखा हुआ है हमने। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कहीं गए गधा लिया गधा खरीद लिया घोड़ा लिया घोड़ा, एक अच्छी भैंस और अच्छी मिल्क लाइन की और हाइब्रिड की भैंस जो हमने नाम बना रखा है, जो हमारे मतलब पिताजी का दादाजी का नाम है, ताऊजी का नाम है, उसी नाम को बरकरार रखते हुए हम एक अच्छा पशु देते हैं कस्टमर को। और जो हमारे दूध की वो होती है जो हम दूध बताते हैं उससे कुछ ना कुछ फालतू मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। मैं बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ, मेरे पास आने के बाद चाहे आप दो टाइम देखो, चार टाइम देखो, पाँच टाइम देखो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने टाइम मिल्किंग देख रहे हो, और पूरी तसल्ली होने के बाद भैंस खरीदो। बिल्कुल, क्योंकि पैसे देने और पैसे लग के हमारे पास आती है। ठीक है, फार्मर के पास से हम लेके आते हैं एक एक पशु कलेक्ट करके, आज की डेट में हम जाते हैं पांच पांच गांव में एक एक भैंस मिलती है, और वो उसपे हमारे पास अनफिट हो। सही बात है, क्योंकि गर्मी का टाइम है, पशुओं का ब्याह बिल्कुल कम है, ये टाइम नहीं होता ब्याहने का पशुओं का, आज से दो ढाई महीने के बाद फिर भी जो पशु हैं वो ब्याने स्टार्ट कर देंगे। हाँ। जो डिलीवरी का सीजन है वो शुरू हो जाएगा। तो भाई साहब अभी कहाँ कहाँ से सप्लाई कर रहे हैं आप पशुओं को? मेरी वैसे ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई हो रही है, लेकिन मेरे पास बाहर से भी कॉल्स आ रही है, जैसे ईरान से कॉल आ रही है कि हाँ भाई मेरे को पशु अवेलेबल करवाओ। ठीक है, और या जैसे नेपाल है, नेपाल गई है, बांग्लादेश है, पीछे हमारी भैंसें जा रही थी, और बॉम्बे, पुणे, भोपाल, जलंधर, पंजाब, और अपने लोकल में भी, मतलब ऑल ओवर इंडिया में पशु जा रहे हैं अपने। ठीक है ठीक है। हाँ। तो भाई साहब अपना मोबाइल नंबर बताना। 70-56-41-26-80। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर और देता मैं। हाँ। 9991-37-002। ठीक है, तो ये दो नंबर हैं भाई के, अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो जो इन्होंने शुरू में नंबर बताया उस पर कॉल कर लीजिए, और जो बाद में नंबर बताया है वो व्हाट्सएप, उस पर केवल व्हाट्सएप चलता है, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही तसल्ली बख्श काम है भाई का सेल परचेज का, और ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छी अच्छी नस्ल की भैंसे हैं वही ये परचेज करते हैं, जो लो क्वालिटी के पशु हैं वो इनके पास नहीं मिलेंगे, जो 12-13-14 लीटर की भैंस लेना चाहते हैं वो भाई साहब के पास नहीं मिलेंगे। तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको आज के जो भाई के पशु हैं वो कैसे लगे, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार।